कोरोना वायरस के बाद अब दुनिया में नए नए वायरस दस्तक दे रहे हैं। पश्चिमी अफ्रीकी देश में भी कोरोना ने से घातक एक वायरस दस्तक दी है। एक तरफ पूरी दुनिया में कोरोना के दंश से हाहाकार मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ एक नए वायरस की दस्तक ने लोगों के जहन में खौफ पैदा कर दिया है। इस वायरस को कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। वायरस का नाम है मारबर्ग। पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी में इस वायरस से संक्रमण का पहला मामला सामने आया है। वायरस की पुष्टि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भी की है। उधर दूसरी तरफ चीन के हिबई प्रांत से भी चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ के शेंगदे शहर में एथरिंग्स निमोनिया से एक मरीज के पीड़ित होने से हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन फिलहाल इस फ्लू को COVID-19 की तरह संक्रामक नहीं माना जा रहा है। बात ईरान की। ईरान में कोरोना वायरस की ऐसी आंधी चल रही है कि पूरा देश करा रहा है। आलम यह है कि हर 2 मिनट में एक संक्रमित की जान जा रही है। ईरान में कोरोना ने कहर बरपा रखा है। खतरनाक वायरस ईरान में बेकाबू होता जा रहा है। आलम यह है कि हर 2 मिनट में एक संक्रमित मरीज की जान जा रही है। कोरोना से ईरान में मरने वालों की संख्या अब 1 लाख के करीब पहुंच गई है। आंकड़ों की माने तो हर 2 सेकंड्स में एक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो रहा है। पिछले 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। संक्रमितों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि ईरान के अस्पतालों में बिस्तरों की कमी हो गई है। बताया जा रहा है कि वैक्सीन की कमी के कारण कोरोना के केस यहां बढ़ रहे हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।